जब आप जिंदगी में कुछ अलग करने के बारे में सोचेंगे, तब आपके अंदर एक द्वंद जरूर रहेगा। तब आपके अंदर दो आदमी आपको दो बात कहेगा। पहला आदमी कहेगा कि आप जीतोगे और दूसरा आदमी कहेगा आप हार जाओगे। उस वक्त आप बस पहले आदमी की बातें ही सुनना, क्योंकि वो दूसरा आदमी आपको उस राहों में नहीं ले जा सकता जिस राहों में आप जाना चाहते हो। मैं ये मानता हूं कि आप सबके अंदर एक सफल इंसान है। ज्यादातर समय हम लोग हारे हुए इंसानों से ही मिलते जुलते हैं। अपने अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट तैयार करो। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और अपने सपनों को जीते ही नहीं है। और तो और, वो अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं ताकि वो एक साधारण सा जीवन जी सके, एक आराम की जिंदगी जी सके। लेकिन ये बात उतना महत्व नहीं रखता है कि लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि बस यही मायने रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप तो सबसे अलग हो, और चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, आप अपने सपनों को कभी भी नहीं छोड़ देना। और इसीलिए एवरेज मेंटेलिटी की लोगों की बात आप नहीं सुनेंगे। हर वक्त अपने अंदर की पॉजिटिव सोच को ही दर्शाओ और खुद के ऊपर भरोसा रखो। जब कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा, बस आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा और आप कभी भी नहीं हारोगे। जो लोग अब तक ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा, उनसे मैं बखूबी परिचित हूँ, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। संघर्ष खुद के लिए करते रहो, और मैं ये कह रहा हूँ कि हार मत मान लो। मैं जानता हूँ जीवन बहुत मुश्किल है। अगर आपको आपके मन के मुताबिक फल ना मिले, तो फिर आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट और एक वर्निंग डिजायर तैयार करना होगा। अभी संघर्ष बस उस लिए करो जो आपको चाहिए। कभी भी भूल कर भी हार मानने की सिद्धांत मत ले लेना। भूल कर भी सेटल मत होना। भूल कर भी हाल छोड़ मत देना। और आज नहीं बल्कि बाकी दिनों में भी, जब जिंदगी में मुश्किल समय आता है, कभी भी मत भूलना कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही लड़ रहे हो। उस चीज के लिए संघर्ष करते रहो जो आपको बस चाहिए ही चाहिए। और ये सिद्धांत बस आपको ही लेना होगा। जब आप अपने अंदर एक कमिटमेंट कर लेते हो, तो फिर कभी भी हार मत मान लेना। मैं ये जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ये मानसिक बीमारी का शिकार हो, क्योंकि लोग आपको ये समझा कर थक गए कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वो संभव नहीं है। आप अपने लक्ष्य और सपनों को हासिल नहीं कर सकते, और जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो वो बिल्कुल ही संभव नहीं है। मैं ये जानता हूं कि ये सब सुन सुनकर आप बिल्कुल ही थक चुके हो, और इसीलिए मैं आपको ये सारी बातें कहने जा रहा हूं, क्योंकि आज से आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संघर्ष आरंभ करना होगा। आपको आपकी कामयाबी छीन लेना होगा और आपको फाइट बैक करना ही होगा। हाँ, मैं जानता हूं कि सब लोग आपसे कहा है आप नहीं कर सकते हो, और आप ये सुनकर हाल भी छोड़ देते हो। आप कभी भी वो हासिल नहीं कर सकते हो जो आप चाहते हो। हाँ, यही तो महानता है। लोग तो कभी भी सोच ही नहीं सकते कि आप बाकी में वो कर सकते हो जो वो नहीं कर सकते। आपको लड़ना होगा और किसी भी हालात में उसे हासिल करना होगा। उन लोगों को गलत साबित कर दो। सफलता का मतलब बस पैसा नहीं होता। ये कुछ ऐसा कर जाना है जो कोई सोच ही नहीं सकता है, और आप वाकई में वो कर सकते हो। मैं इसकी गारंटी देता हूं। अगर आप अपना 100% देंगे, तो फिर ये जरूर होगा, और तभी आप सफलता की उस बुलंदियों को छुओगे जब आप वो आदमी बनोगे। लोग बस दूसरे के तरफ देखते रहते हैं, लेकिन आप ये गलती मत करना। बस अपने ऊपर ही गौर करना, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जो भी करना होगा वो ये है कि एक एक करके आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टेप लेना होगा। हमेशा याद रखना, हर एक कदम जो आप लेने जा रहे हो वो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही, और आपको अपने ऊपर काम करना होगा। वो भी सिर्फ आज के लिए ही नहीं, बल्कि आपको हर रोज एक करते जाना होगा, जब तक ना आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकता, और कुछ भी मेहनत को हरा नहीं सकता। आज क्या बल्कि कल भी नहीं। आप में से बहुत सारे लोग जीवन के बुरे हालातों से जूझ रहे हो, और एक ऐसी मानसिक स्थिति आ चुका है कि आपको ये लग रहा है कि जो आप चाहते हो वो नहीं होगा। आप अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो वो हासिल कर सकते हो।
अगर कोई भी आप पर भरोसा ना करे तो फिर आपको खुद को ही खुद के ऊपर भरोसा करना होगा। अगर आप कोई भी रिजल्ट ना देख पाओ फिर भी आपको काम करते जाना होगा जब तक ना आपको रिजल्ट ना दिखे। ये भी हो सकता है कि लंबे समय तक आपको कोई भी फल नहीं दिखाई दे रहा हो, बस काम करते रहो। जो रिजल्ट आज नहीं आ रहा है वो कभी भी नहीं आएगा सोचकर अगर आप काम करना ही छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आप थक चुके हो, चलते रहो। आपको अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी चलते रहो। आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है फिर भी चलते रहो। आपको पता ही नहीं है कि कहां से शुरुआत करना है फिर भी शुरुआत तो करो। कुछ भी करके अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करो। हर एक छोटी सी कदम एक बड़ी कामयाबी की शुरुआत है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां पर हो, सिर्फ ये जान लो कि आपको ऊपर चढ़ते जाना होगा। अगर आप धीरे धीरे ये सीखते चले जाओगे कि कैसे आपको एक से एक स्टेप लेना होगा, आपको ये धीरे धीरे जरूर पता चल जाएगा कि आपको आखिरकार जाना कहाँ होगा। अगर आप काम करना बंद नहीं करेंगे तो, अगर आप कभी भी पहला स्टेप नहीं लेंगे, आप वहाँ पर कभी भी नहीं पहुँच सकते जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो। ज्यादातर लोग बस इसलिए ही हारते हैं क्योंकि वो हार मान लेते हैं। वो लोग कहेंगे कि उन्होंने अपना सब कुछ दांव में लगा दिया था फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन याद रखना, अगर उन्होंने सब कुछ दे ही दिया तो फिर हार क्यों गए? लेकिन एक विनर कभी भी हार नहीं मानती है, और यही एक लूजर और विनर के बीच में फर्क है। आपके रास्ते मुश्किल हो सकता है, समय लग सकता है, आपको सब कुछ खोना भी पड़ सकता है, पर सफलता आपका हक है। और कुछ चीजें हम लोग काउंट कर देखने वाले हैं। आपको थोड़ा सा ज्यादा हर रोज करना होगा, थोड़ा सा ज्यादा समय और थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होगा। और इस छोटी सी चीज ही आप जब कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे, यही चीज आपके जीवन में एक बहुत बड़ा फर्क बना देगा। आज जीवन के एक सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप अपने अंदर एक कमिटमेंट कर लो कि आप एक चीज एक्स्ट्रा करने जा रहे हो, और यही चीज आपको आपके सपनों के करीब लाएगा, और धीरे धीरे आप आपकी बड़ी कामयाबी की तरफ चलते रहोगे। और इसीलिए शुरुआत करने से पहले आपके पास एक चीज होना जरूरी है, और वो यही है कि आपके सामने एक साफ सुथरा लक्ष्य होना चाहिए। आफ्टर ऑल आपके पास एक टारगेट होना होगा जो आपको साफ साफ दिखाई दे। और आप अगर ये नहीं जानते हैं कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है, तो फिर थोड़ा समय ले लीजिए। वो एक दिन हो सकता है, एक हफ्ते भी हो सकता है, जितना समय लगता है ले लीजिए और उसे साफ साफ करके लिख लीजिए। आपका जीवन आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आखिरकार कैसा होगा, आपके अंदर एनर्जी लेवल कैसा होगा, सब कुछ साफ साफ लिख कर रखो। आपको कितना पैसा कमाना है, आपको कितना कीमत चुकाना होगा आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, खुद को बिल्कुल स्पेसिफिक बना लो। अब आपके पास आपके लक्ष्य है, पर कैसे आप उसे प्राप्त करोगे, खुद के अंदर ये कमिटमेंट कर लो जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे लेकर जाएगा। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो स्टेप कितना छोटा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना सारा मुश्किलों का सामना करना होगा। चाहे जो भी हो जाए, वो छोटी सी स्टेप आपको हर रोज कमिटमेंट के साथ बस लेना ही होगा। ये आपकी जीवन है, और इससे ज्यादा इस दुनिया में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने अंदर ये कमिटमेंट जरूर रखना कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना 100% जरूर दोगे। अगर आप थक चुके हो फिर भी आपको वही करना होगा। अपने अंदर एक कमिटमेंट तैयार करो। अगर आपको कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा है फिर भी करते जाओ, और एक्सक्यूज देना बंद करो। जो जिंदगी आप चाहते हो वो जीने के लिए, अपने सारी चाहते पूरी करने के लिए सारी कीमत आपको ही चुकाना होगा। आपने कामों में एक मोमेंटम और कंसिस्टेंसी लाना होगा। हर सफल इंसानों में बस एक ही चीज कॉमन होती है, वो बस थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, और वही चीज आखिरकार बहुत बड़ा बन जाता है और साधारण इंसानों से फर्क बना देता है। आपके अंदर भी एक परिवर्तन जरूर आएगा, लेकिन आपके अंदर एक कमिटमेंट लाना जरूरी है। आप क्या वाकई में ये कमिटमेंट करने के लिए राजी है? यही छोटी चीज ही आपको जीवन में बहुत ऊपर ले जाएगी। सोचो, आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हो वो आपको बस बहुत ही आसानी से मिल जाए, हर बार, हर वक्त, कोई भी मेहनत के बिना ही। तब आप में से कुछ लोग यही कहेंगे कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन नहीं मेरे भाई, इससे तो आप कमजोर पड़ जाओगे। जब आपके जीवन में मुश्किलें आएगी तब आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको आखिरकार करना क्या होगा, क्योंकि आप तो उन सारे मुश्किलों से जूझे ही नहीं हो।
जो आपको मजबूत बनाए। कठिनाई और संघर्ष के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने अंदर कोई भी ताकत तैयार नहीं कर सकते। दर्द ही आपका दोस्त है और शायद आप ये नहीं मान सकते, पर आपके अंतरात्मा में यही एवोल्यूशन लाएगा और जो लाभ आपको होगा वो बहुत ही लंबे समय के लिए होगा। आप एक मजबूत इंसान बनोगे। दर्द ही आपका दोस्त है। आप अगर नाकामयाब नहीं बनोगे और अगर स्ट्रगल नहीं करोगे, आप अगर हताश नहीं होगे और आपके अंदर एक इनर एनर्जी तैयार भी नहीं होगी। आपको इस जीवन में इतना दर्द दिया गया है क्योंकि आप उसे हैंडल कर सकते हो। आप बहुत ज्यादा मजबूत हो इस दर्द के साथ जीने के लिए, और आपको देखकर ही तो लोग इंस्पायर होंगे और कहेंगे कि उसने करके दिखाया है, मैं भी करूंगा। आप अपने आप को जितना मजबूत समझते हो, आप इससे भी ज्यादा मजबूत हो। इस वक्त आपने अपनी सारी चैलेंजेस से जूझ रहे हो, बाद में आप इतना ज्यादा ताकतवर बनोगे कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद एक पावर हाउस बन जाओगे, और इसीलिए हार मत मान लेना। आपके जीवन में एक पर्पस है, और आप अगर उसे ढूंढ लेते हो और आगे बढ़ते रहो और खुद को इम्प्रूव करते रहो तो वही बेहतर होता है। आपकी स्ट्रगल ही आपके जीवन की एक हिस्सा है। आपकी स्ट्रगल ही आपको वो इंसान बनाएगी जो आप कल बनना चाहते हो। आपकी संघर्ष ही आपके लिए एक तोहफा है जिसके प्यार में एक दिन पूरी दुनिया पड़ जाएगी। लोग कभी भी उस आदमी की कहानी नहीं सुनना चाहते हैं जिन्होंने संघर्ष किया है। लोग बस उन लोगों के कहानी सुनना चाहते हैं जो दुख दर्द झेल कर भी जिंदगी में बड़ा कुछ हासिल किया है। आप क्या एक लेजेंड बनना चाहते हो? क्योंकि लेजेंड तो कठिनाई और संघर्ष के गर्भ में ही जन्म लेती है। डर तो बस एक फिक्शनल मूवी के अलावा और कुछ भी नहीं है, और असलियत है संघर्ष। और इसीलिए अपने संघर्ष का परिवर्तन कीजिए और उसे वास्तव का रूप दे दीजिए। आपके जीवन में जो समस्या चल रही है उसके लिए लोगों को दोष देना बंद कीजिए। ये एक नया दिन है और यही आपके सपनों को पाने का टिकट है। आपके संघर्ष आपकी एक तोहफा है। सोचिए, अगर मुश्किलें नहीं होती तो फिर आप बड़ा कैसे बनोगे? और सफल बनने के लिए दर्द की राहों से आपको गुजरना ही होगा, और ऐसे ही संघर्ष करते करते आप एक दिन जरूर सफल बनोगे।